वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करें बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। जी हाँ दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहुँचे हैं अपने घर ईद मनाने। उत्तर प्रदेश में उनका एक घर है जहाँ वह अपनी फैमिली के साथ ईद मनाने पहुँचे। उनकी फैमिली और वे महाराष्ट्र पुलिस से परमिशन लेके वह पहुँचे। उसके बाद वे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिए गए उनकी फैमिली के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस बात का खुलासा पीटीआई ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए ट्वीट करके बताया। उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया और उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। जी हाँ दोस्तों, उनकी पूरी फैमिली का कोरोना टेस्ट किया गया। कोरोना टेस्ट के बाद उनकी रिपोर्ट्स आई, उसके बाद उनको उनके घर पहुँचाया गया। रिपोर्ट्स के ज़रिए उनके पूरी फैमिली की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई गई है। तो दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं। अगर वर्क फ्रॉम की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म घूम केतु का टीज़र रिलीज़ हुआ है, जिसे लेकर एक्टर काफ़ी चर्चा में है। कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर यह टीज़र सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह फिल्म 22 मई को T5 पर रिलीज़ होगी। तो दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी तो हम प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट फॉर अस। थैंक यू सो मच।